हे गाइस वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो आपका स्वागत है चैनल पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेफ्ट अंडर द चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कितने सारे ऑफेंसेस आते हैं ये ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वोले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो आपको सारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पता चल जाएगा तो आज के वीडियो में मैं आपको थेफ्ट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है थेफ्ट को और इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके एग्जांपल्स केस लॉज सब मैं बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी आई से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट थेफ्ट जो टर्म है चोरी इसको कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है इन द इंडियन पेनल कोड 1860 में तो सेक्शन 378 जो है ये जो सेक्शन है ये डील करता है विद द प्रोविजन ऑफ थेफ्ट और ये सेक्शन क्या कहता है ये कहता है हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कॉन्सेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट टू कमिट थेफ्ट अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब आता है इस डेफिनेशन में यह मतलब दिया हुआ है मीनिंग आपको खोजना होगा इसमें भी आपका इन्ग्रीडियंट दिया हुआ है इस डेफिनेशन में आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होगा तो सबसे पहले आप समझिए हु एवर कोई भी आदमी इंटेंडिंग टू टेक डिजोनेस्टली उसका डिजोनेस्ट इंटेंशन है कि वो कुछ कोई भी चीज वो ले एनी मोवेबल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा मूवेबल थिंग चेयर हो टेबल हो टीवी लैपटॉप एनीथिंग जो भी मूवेबल हो आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन मतलब सपोज इटली चोर आया कोई एक आदमी आया आपके घर में रात में आया चोरी क्या इंटेंशन से लाइक like, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कि वो कोई भी जैसे कि आपका लैपटॉप रखा हुआ है आपका लैपटॉप चुराने के लिए आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपका लैपटॉप जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका इंटेंशन क्या है इंटेंशन है वो क्या चाहता है कि? वो चाहता है 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 कि कि वो 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 जो लैपटॉप आपके पोजिशन से लेके अपने पोजिशन में लाए विदाउट दैट विदर्सन कंसेंट विदाउट द परमिशन और कंसेंट ऑफ योर्स आपके परमिशन या फिर कंसेंट के बिना वो लेना चाह रहा है अगर वो मूव करता है आपका लैपटॉप टेबल पे रखा हुआ है और वो आपके घर में घुसा डिजोनेस्ट इंटेंशन के साथ कि वो पर्टिकुलर लैपटॉप को चोरी करके ले जाएगा मूव करके ले जाएगा आपके पोजीशन से अपने पोजीशन में लेके आ जाएगा जैसे ही उस लैपटॉप को वो मूव करता है जैसे ही उस प्रॉपर्टी लैपटॉप को हटाता है वहां से वो तभी उसने थेफ्ट कमिट कर दिया आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अगर आप बेयर एट खोलोगे या फिर आप अगर रेफरेंस बुक भी खोलोगे तो थेफ्ट से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपको मैं पैराग्राफ फॉर्म में बता देता हूँ आपको सारे चीज समझ में आ जाएंगे अ थिंग अटैच टू द अर्थ आफ्टर इट हैज बिन सीवियर्ड मे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट इसका क्या मतलब है कोई भी ऐसा चीज जो अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ हो जैसे ही उस जमीन से जुड़ा हुआ चीज को काट दिया जाता है तभी वो सब्जेक्ट ऑफ थे बन जाता है फिर क्या होता है दिवियरेंस एंड द मूविंग मे बी एफेक्टेड बाय द सेम एक्ट दैट इज द मेयर एक्ट ऑफ सीवियरेंस मे अमाउंट टू थेफ्ट जैसे ही उसने काटा उस पेड़ आपके गार्डन में एक पेड़ है या फिर आपके कैंपस में एक पेड़ है कोई भी एक आदमी आके उस पेड़ को जैसे ही काटता है उसने कमिट कर दिया। एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इज मूव बाय दैट एनिमल द कंसेंट द डिफिनेशन यहाँ पे जो कंसेंट जो पर्सन कंसेंट है जो डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है मे बी एक्सप्रेस एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकता है इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है एंड मे बी गिवन इधर बाय पर्सन इन पोजिशन और बाय एनी पर्सन हैविंग एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर दैट पर्पस। अब मैं आपको इसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूं थेफ्ट का तो पहला तो थेफ्ट होने के लिए पांच इशेंशियल इन्ग्रीडियंट है पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू प्रॉपर्टी जो आपके घर पे आ रहा है चोरी करने के लिए, लिए आ रहा है तो ए के पास इंटेंशन होना चाहिए कि वो आपका कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसको लेना है या फिर चुराना है सेकेंड क्या है द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल लिए जो प्रॉपर्टी है जो भी वो आदमी चुराने के लिए आ रहा है ए कुछ जो भी चुराने के लिए आ रहे है आपके घर पे जैसे कि टेबल चेयर टीवी लैपटॉप बी दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल उसको हिलाया जा सके थर्ड क्या है सच प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ अनदर पर्सन ऐसा होना चाहिए कि वो जो ए जो आया आपके घर पे लैपटॉप आपका है तो आप आपका पोजीशन है आपका ऑथोरिटी आपका लैपटॉप है वो तो आपके पोजीशन से लेके अपने अपने लिए वो ले जा रहा है फोर्थ देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी ऐसा भी होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है जो वो ले, लेना चाह रहा है जो वो चोरी करना चाह रहा है उसको उस पर्टिकुलर पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को हिलाया है अपने जगह से अपने ओरिजिनल जगह से अगर उसने हिला दिया तो वो थेफ्ट हो जाएगा अगर उस चीज को उसने हिलाया नहीं है तो थेफ्ट नहीं होगा पांचवा क्या है इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और वो जो चीज ले रहा है लैपटॉप जो ले रहा है वो आपके बिना आपके परमिशन के ले रहा है अगर आपके परमिशन दे दिया आपने कि हाँ ले लो आप मेरा लैपटॉप ले लो तब उसको थेफ्ट नहीं बोलेंगे अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है या फिर सारे फैक्टर्स अगर फॉलो होता है तभी थेफ्ट होता है अगर इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे आपको थेफ्ट का जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा पहला एग्जाम्पल क्या है ट्री ऑन जेड ए जाता है Z के ground पे और जेड का जो ग्राउंड पे जो भी ट्री है सपोज एक मैंगो ट्री है मैंगो ट्री को जाके काट देता है विद द इंटेंशन ऑफ डिजोनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड पोजिशन विद आउटेड कंसेंट यहां पर जैसे ही ए ने पेड़ काट दिया इन ऑर्डर टू सच टेकिंग उसने कमिट कर दिया थे इस जो, जो इसमें पहला क्या है देखिए ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड ग्राउंड विदेंशन ऑफ डिजोनेस्टली टेकिंग द ट्री यहां पर डिजॉनेस्ट इंटेंशन भी आ गया आपका टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड पोजिशन दूसरे आप Z का पोजीशन से लेके अपने पोजीशन में लेने के लिए वो वाला इंग्रेडिएंट भी आ गया विदाउट पर्टिकुलर पर्सन वो भी आ गया और जैसे ही उस पेड़ को काट दिया जो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था जैसे ही पेड़ काट दिया जाता है जैसे ही वो अर्थ से अलग हो जाता है जमीन से अलग हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं थेफ्ट हो गया फिर आते हैं ए पुट्स बेट फॉर डॉग्स इन पॉकेट एंड दस डॉग टू फॉलो इट यहाँ पे ए क्या करता है ए जो है उस कुत्तों के लिए कुछ चारा लेके जाता है रोटी ले जाता है अपने पॉकेट में और रोटी जेड का जो डॉगी है उसको रोटी दिखा दिखा के अपने तरफ फॉलो करवाता है यहाँ पे ए का डिजॉनेस्ट इंटेंशन है कि वो जेड का डॉगी को ले जाए उसके पोजीशन से उसके डॉगी को चोरी कर ले विदेड कंसेंट यहाँ पे ए जो है एज सुन एस एज सुन Z का जो डॉगी है जैसे ही वो ए को फॉलो करने लगता है ए ने थिफ्ट कमिट कर दिया सी सी वाला एग्जाम्पल आप देखिए ए जो है एक ब्लॉक से मिलता है कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर तो वो क्या करता है वो जाक, जाकर उस ब्लॉक को दूसरे डिरेक्शन में ले जाता है जिससे वो क्या करे वो डिसऑनेस्टली सारा जो ट्रेजर है वो ले ले, चोरी कर ले जैसे ही आपको जो ब्लॉक है वो मूव करता है वो द ट्रेजर उसने कमिट किया अब हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स में आ जाते हैं ए जो है जेड का सर्वेंट है और जेड जो है ए पे ट्रस्ट करता था जेड ने कुछ प्लेट्स उसको रखने के लिए दिए थे ध्यान रखने के लिए दिए थे पर A क्या करता है वो प्लेट सारे डिजोनेस्ट इंटेंशन के साथ भाग जाता है प्लेट लेके भाग जाता है और विदाउट जेड कंसेंट यहाँ पे ए ने चोरी कर दिया ऐसा भी होता है ना कि आपका आपने जो मेड सर्वेंट आपने अपॉइंट किया है एम्प्लॉय किया है उसने कुछ देखा आपका कोई ज्वेलरी है कोई अंगूठी है वो लेके भाग गया आपके कंसेंट के बिना भाग गया तो उसमें क्या हुआ उसमें उसने थेफ्ट कमिट किया फिर गोइंग ऑन अ जर्नी जेड जो है जर्नी पे जा रहा है ट्रिप पे जा रहा है उसने ए को दे दिया अपना कुछ प्लेट्स कि तुम जरा रखो मैं जब जर्नी से आ जाऊंगा तब तुम मेरे को वापस दे देना ए क्या है ए है कीपर ऑफ वेयर हाउस तो जेड ये चीज बोलता है कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तो तुम ये प्लेट किसी को और को मत देना जब मैं आ तब मेरे को ये प्लेट दे देना तो ए जो है वो क्या करता है ए वो सारे प्लेट को ले जाता है गोल्ड स्मिथ के पास और वहां पे बेच देता है और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे तो हेयर प्लेट वॉज नॉट इन जेड पोजिशन यहाँ पे जेड के पास तो वो चीज था नहीं प्लेट जेड के पास नहीं था उस टाइम एट दैट करेंट पोजिशन जेड के पास वो सारे प्लेट्स नहीं थे इट कुड नॉट देयर फॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजीशन तो यहाँ पे वो जो इन्ग्रीडियंट मैंने आपको बताया था सर्च प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ अनादर पर्सन एट द टाइम ऑफ थेफ्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट यहाँ पर जेड के पास वो चीज वो सारे प्लेट्स नहीं थे सो ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट ए ने चोरी नहीं किया है दो

अगर ए जो है डिजोनेस्टली रिमूव कर देता है वहां से उठा लेता है तो ए जो है कर दिया। लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं ए को मिलता है एक अंगूठी एक ठो हाई रास्ते पे मिलता अंगूठी जो किसी का पोजिशन में नहीं है जो किसी का आसपास खोजा नहीं मिला तो उसने क्या किया वो उठा लेता है तो वहां पे उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया दो ही में कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये जोिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे कहीं भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसी भी एग्जाम्पल में डाउट आए वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अब केस लॉ में आ जाते हैं इन श्री चंद चंगो आई एल आर एटीन एटी फाइव ट्वेंटी टू कैलकाटा वन जीरो वन सेवन इस केस में क्या हुआ था इट वॉज हेल्ड दैट इवन इफ अ क्रेडिटर टेक्स मूवेबल प्रॉपर्टी अगर क्रेडिटर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है आउट ऑफ द डेप्टन डेप्टर के पोजिशन से ले लेता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द डेप्टर विद द इंटेंशन ऑफ कोर्सिंग हिम वो जबरदस्ती करे कि तुम अपना कर्जा वो चुका दो इट इज थेफ्ट Another important case law is Emperor एम्परर वर्सेज़ नौशी अली खान 34 AIL 89. थर्टी अगर आपको इन सारे केस लॉ नोट डाउन करने आप नोट डाउन कर सकते हो आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तब तक के लिए बने मेरे साथ थैंक यू